नमस्कार, अपनी ठपली अपना राग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं आप खबरों की शुरुआत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी और जेपी नड्डा ने कुशीनगर में विरोधी पर तीखे प्रहार किए और जेपी नड्डा ने कुशीनगर में कांग्रेस और एसपी की बात करते हुए कहा कि पिछली सरकारों के माफिया राज को बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया है। भारत के संकल्प को पूरा करेंगे, इस बात के लिए हमने पूरी ताकत लगाई। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं तो मैं यह भी कहना चाहता हूं, यही उत्तर प्रदेश माफिया राज्य के लिए जाना जाता था, यही उत्तर प्रदेश की धरती पर हमारी बहनें, बहू, बेटियां ये सुरक्षित नहीं थी। यही उत्तर प्रदेश था जहां व्यापारी पलायन कर रहे थे। यही उत्तर प्रदेश था जहां माफिया दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर देते थे। और आज वही उत्तर प्रदेश है, मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी की कड़ी मेहनत से आज माफियाओं को जमीन में गाड़ दिया गया। और जो लोग माफियाओं के साथ हुआ करते थे आज वो बाहर नहीं है, वो जेल के अंदर है। यह परिस्थिति ला करके खड़ी जनता की ओर से आवाज आता है। क्या आवाज आती है? जो राम को लाए हैं। कितने लोग अयोध्या गए थे? वाह भाई, काफी बड़ी संख्या में लोग गए। आपने नई अयोध्या देखी होगी ना? ऐसे है जैसे लगता है साक्षात प्रभु राम अयोध्या में प्रकट होकर के अपना आशीर्वाद की कृपा बरसा रहे हों, बरसा रहे हैं ना। ये है अयोध्या। 500 वर्षों का इंतजार मोदी जी ने समाप्त करवा दिया और रामनवमी के दिन भगवान राम का सूर्य तिलक भी होता है। विभूत थी देख करके, वाह क्या नेतृत्व है। और ये कांग्रेस और सपा के लोग क्या कहते थे? कहते राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। कोई कहता राम का मंदिर बेकार बना है और कोई कहता है राम का मंदिर बनाने का भारत में कोई मतलब नहीं था। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं ये चुनाव राम भक्त और राम द्रोहियों के बीच में आकर के सिमट गया है। जो राम भक्त हैं वह मोदी जी के साथ में हैं, जो राम द्रोही हैं वह भाजपा के विरोध में खड़े होकर के नकारात्मक स्वर के माध्यम से पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। सीएम योगी ने महाराजगंज में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि विरोध के दलदल में फंस चुका है। राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। तो वे इससे घबरा जाते हैं क्योंकि एक तरफ राम भक्त हैं मोदी जी के नेतृत्व में और दूसरी तरफ राम द्रोही हैं जो राम का तो विरोध करते ही रहे हैं और विरोध करते करते भाजपा का विरोध करते हुए राम का विरोध कर रहे हैं और भगवान राम का विरोध करते करते अब भारत का विरोध कर रहे हैं। जहां पर वह गौ कसी करता है, माता को मारता है, गौ का मांस खाता है, वहां पे हिंदू भड़क जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है और ये हम नहीं होने देंगे। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आरक्षण के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा है। सीएम योगी ने धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है। वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया।
से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी देश के संविधान सभा में इस बात को कहा था, बार बार कहा था, आरक्षण भारत के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और मंडल कमीशन के बाद ओबीसी के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए यह आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत का संविधान कभी नहीं देता और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए बार बार देश को वार्न किया था कि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन था, हमें फिर से कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए जो उस देश को विभाजन की ओर धकेले। और मुझे लगता है कि यह फैसला एक नजीर बनना चाहिए। यह फैसला जो कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी के अधिकार पर इसी प्रकार की सेंधमारी करते हुए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया है और कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की जो शरारत की थी, इसका आप जोरदार जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। और वाराणसी में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के 2000 लोगों को चिट्ठी, इसमें अलग अलग क्षेत्र के काम करने वाले लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिखकर आम लोगों से वोट दिलाने की अपील की है। अभी तक 500 घरों में चिट्ठी को बांट दिया जा चुका है। यह चिट्ठी 200 शब्दों की है। बीएचयू के प्रोफेसर और डॉक्टर लोगों के घर घर में जाकर चिट्ठी बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी में लिखा है, आपको अवगत कराना है कि भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है। काशी लोकसभा में 1 जून को मतदान होना है। काशी में आज सबके आदमी प्यार ने मुझे वाराणसी बना दिया। केवल सांसद ही नहीं बल्कि स्वयं को काशी के बेटे के रूप में पाता हूं। आप सबसे ये निवेदन है कि 1 जून को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। 1 जून तक अपने परिवार के सदस्यों और संस्था के लोगों को बूथ तक लेकर आए। प्रधानमंत्री मोदी कल से 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे। 2 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 4 जनसभाओं से प्रधानमंत्री मोदी 6 लोकसभा क्षेत्रों का समीकरण साधेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 25 मई को गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी 3 रैलियां करेंगे। मिर्जापुर, मऊ और देवरिया में प्रधानमंत्री की रैली होनी है। और लोकसभा चुनाव में 6ठे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इसके लिए पोलिंग पार्टियां 8 मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 6ठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें वोटर्स 162 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर, फूलपुर, इसके अलावा प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, दुमरियागंज, बस्ती, संतकबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर, भदोई, फूलपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग है। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की जाए 2019 के लोकसभा चुनाव में 14 सीटों में से 13 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो कल 6ठे चरण के लिए मतदान होना है। इससे पहले जो पोलिंग पार्टियां हैं उसे आज रवाना कर दिया गया है। अपनी अपनी जगहों पर तय समय पर पहुंच जाएंगे। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग होनी है जिसमें सुल्तानपुर, इलाहाबाद, बस्ती, इसके अलावा अगर बात की जाए जौनपुर, मछलीशहर, फूलपुर में मतदान होना है। और अब मतदान की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। 3 तस्वीरें अंबेडकर नगर, कानपुर और आजमगढ़ के दिखा रहे हैं जहां पर अब पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। ये अपने सामान के साथ वहां पर पहुंच गए और फिर अब अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। वहां पर कल सुबह 7 बजे 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश के मतदान होना है। और अब देख लीजिए वो 14 सीटें कौन कौन सी है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संतकबीरनगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर और भदोई, ये वो सीटें हैं, प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर सबकी नजर होगी। और आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। आजम की सजा पर हाईकोर्ट की रोक लगा दी है। आजम खान और परिवार को जमानत मिल गई है। पत्नी तंजीम फातिमा, बेटे अब्दुल्ला को जमानत मिल गई है। मामला आपको बता दें क्या था, जिसमें कि आज या तो सजा या तो फिर बेल की बात हो रही थी, जिसमें बेल मिल गया आजम खान को।
दो बर्थ सर्टिफिकेट केस में राहत आजम परिवार को मिली है। आजम खान को 7 साल की सजा मिली थी और इसी पर रोक को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसमें आज बड़ी राहत आजम परिवार। और रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।